भाई रजिस्ट्रेशन वाली साइट पे सारी चीजें डाल दी, फिर भी नंबर सोच क्या इनकरेक्ट करवाने। हो रहा है, मेल ही नहीं आ रहा है। अरे यश रुको ब्रो, साइट तो वर्क ही नहीं कर भाई, रही अरे भाई भाई भाई, सुनो तो मेरी, कैसे मेरा एग्जाम भी दूं, आज साइट इसी नहीं आ एरर आ रहा रहा, साइट है। नहीं मोबाइल खुल नंबर रही। इनकरेक्ट अरे रुको क्यों शो यार, हो रहा है? वेट वेट यार, कमेंट रजिस्ट्रेशन करने पे वेट इनवैलिड डिटेल्स शो हो रहा है। अरे अब सुन क्या तो, करना है एटलीस्ट साइट मेरी, खुल ये बता, नोट रिजल्ट अरे फाउंड। चुप, देखो भाई इतना परेशान मत करो, तुमने वैसे ही साइट की मार ली है, साइट मर चुकी है तो मेरी तो मत मारो। सुन लो प्लीज, इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ आप लोगों को कैसे अपने आंसर शीट को सबमिट करना है, अपलोड करना है। मैं जानता हूँ साइट काम नहीं कर रही है, तो प्लीज कल रात से ना मेरे सांस नहीं आ रही, भर दो मेरे अंदर इसको, ठीक है? पता नहीं कितने क्वेश्चन पूछते हो यार, रात भर से परेशान कर दिया। तो आप सुन तो लो एटलीस्ट मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो देखो इस वीडियो में आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ जिन बच्चों के रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं, जिनकी साइट पे एरर शो हो रहा है, इनवैलिड शो हो रहा है, या ईमेल नहीं आ रही, मैसेज नहीं आ रहा है, तो उनके बारे में बात करने वाला हूँ। और सेकंड चीज, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनका एडमिट कार्ड भी नहीं आया है, साइट पे एडमिट कार्ड ही नहीं शो हो रहा, फिफ्थ सेमेस्टर हुआ, फर्स्ट सेमेस्टर हुआ, तो उनके बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। तो प्लीज़ सुन लो यार थोड़ा सा, आई नो मैं हैंडसम लग रहा हूँ, जलो मत मेरे से, ठीक है? तो हाँ, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो हे गाइज एंड व्हाट्स अप एवरीबॉडी, इट्स देवेश बैक इट अगेन विद फ्रेश वीडियो। सो आज किस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं आप सबको बता ही चुका हूँ मैं पहले, ठीक है? दोबारा नहीं बता रहा, तो देखो सीधा मुद्दे पे बात करते हैं। सबसे पहली चीज़, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका इनवैलिड शो हो रहा है, मतलब कि रजिस्ट्रेशन नहीं शो हो रहा, तो सिंपल मेरी बात कान खोल के सुनो। देखो आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन वाली साइट को ऑन नहीं करना है, नहीं खोलना है, कुछ भी मत करो, साइट की पड़ी रहने दो, उसकी मर गई है मर रही रहने दो, ठीक है? आपको क्या करना है, अब देखो आप अपने आंसरों को, आप अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको मेल के थ्रू सेंड करोगे, ठीक है? कैसे सेंड करोगे मैं बताऊंगा, कौन बताएगा मैं बताऊंगा। आपको क्या करना है, लाइक करना है, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब तो करो यार, बिना वीडियो देखे कमेंट कर दे तो बहुत गंदी बात है। तो आपको मेल के थ्रू कैसे सेंड करना है, देखो SOL की मेन वेबसाइट जो होती है sol.du.ac.in, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे मैं शो करवा देता हूँ, उसकी साइट का इंटरफेस, ठीक है? ये देखो आपको इंटरफेस शो हो रहा है, और इसी इंटरफेस में आपको सेकंड में दिख रहा होगा, सेकंड कलर का यहाँ पे बटन है जो लिखा है सेकंड सर्वर लिखा हुआ है, वो भी एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड। तो आपको इस वाले सर्वर से ही क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना होता है, ठीक है? अभी आपकी साइट पे ऐसा कुछ नहीं आ रहा होगा, मगर कल तक आपकी साइट पे भी ऐसा आ जाएगा, ठीक है? तो आपको क्या करना होता है, दो साइट पे पेपर आते हैं। सबसे पहला आपको UOD OB वाली साइट पे, जहाँ से आप लॉगिन करके पेपर डाउनलोड करते हो, हालांकि लॉगिन आपका हो नहीं रहा, आप उसको छोड़ दो, ठीक है? उसकी ऐसी तैसी कर दो। सेकंड साइट आ जाती है SOL की, ये वाली, तो आपको इस साइट से अपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं, ठीक है? आपको अपना क्वेश्चन पेपर SOL की मेन वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करना है। तो आप डाउनलोड कहाँ से करोगे, आपको सिंपली ये जो दिख रहा है सर्वर टू OB क्वेश्चन पेपर एडमिशन, ठीक है? इस तरह के आपकी साइट पे जरूर लॉन्च होएगा, जरूर आएगा, तो आपको यहीं से अपना क्वेश्चन पेपर जो है वो डाउनलोड करना है। आपको कोई भी डैशबोर्ड को लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से भी नॉर्मली अपनी SOL की साइट से क्वेश्चन पेपर को इस साइट से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? समझ आ गया? आपको इस साइट पे क्लिक करोगे तो आपके सारे पेपर के कोड शो कर देगा, आपका जो भी पेपर कोड है आपको वो डाउनलोड करना है। अब काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं कि पेपर कोड जो है वो अलग अलग है, तो हम कौन सा डाउनलोड करें? तो देखो अगर पेपर कोड अलग अलग है, तो मैं तो कहूँगा अगर आपका जो पेपर कोड जो आपके हॉल टिकट में दे रखा है, एडमिट कार्ड में दे रखा है, और वो पेपर आपको वहाँ पे शो कर रहा है, मगर वहाँ पे कोड दूसरा दे रखा है उसका, तो जो क्वेश्चन पेपर का कोड है आप वही डाल दो, ठीक है? ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का। सेकेंड नंबर, आपको आंसर शीट कहाँ सेंड करनी है, कैसे सेंड करनी है जब आपका पोर्टल ही ओपन नहीं होता? तो देखो इस केस में आपको क्या करना है, SOL वाले हर बार अपनी साइट पे, साइट के ऊपर, दो साल से बता रहा हूँ कि अपनी साइट पे जीमेल निकालते हैं, मतलब कि मेल लिस्ट, सब्जेक्ट की मेल लिस्ट निकालते हैं, आपको किस सब्जेक्ट को किस साइट पे सेंड करना है, तो पहले ज़रा इसको गौर से देखो। हाँ फ्रेंड्स, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि ये मेल कैसे करना है, तो मेल के लिए सिंपली एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा SOL OB लिस्ट ऑफ ईमेल आईडी, ठीक है? ये पिछले साल की है, इस तरह से आपकी जो मेन साइट है SOL की, उस पर मेल आईडी आएगी, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे देन उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह की मेल आईडी शो होगी, ठीक है? आपको इस पर मेल कैसे करना होता है, देखो मैं सेंड आपको बताता हूँ हर चीज़। देखो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या होता है, आपको यहाँ पे देखना होता है कि आपका जो एग्ज़ाम है किस डेट को, यहाँ पे अपना एग्ज़ाम डेट देख लो, जो भी आपका 21 को अगर एग्ज़ाम है कल, तो आपकी कल आएगी। और यहाँ पे आपको अपना कोर्स देखना है, बी ऑनर्स, बी कॉम, पोल साइंस, जो भी आपका कोर्स है, और देन आपको सेमेस्टर देखना है, ठीक है? अगर आपका मॉर्निंग का एग्ज़ाम है 9:30 बजे का, तो यहाँ पे आपको एग्ज़ाम स्टार्ट टाइम दिखा देगा, उसके सामने आपको अपना पेपर कोड देखना है। सपोज़ करो अगर मेरा मान लो BA BCOM ऑनर्स का पेपर है ये वाला, ठीक है? और आपका उसका टाइमिंग दे रखा है कॉमर्स का ये, और उसका कोड मेरे को दे रखा है ये, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का पेपर है मेरा ये वाला, ठीक है? तो अगर मेरे को इसको मेल
करना है तो मैं कैसे मेल करूँगा, देन उसके सामने देखो थोड़ा इधर अगर मैं करता हूँ तो आपको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मतलब कि आपको ये वाली के आगे यहाँ पे एक मेल आईडी दिख रही होगी, ये चीज़ ठीक है, जिसमें मैंने यहाँ पे सर्कल लगा दिया आपको दिख रहा होगा ये वाला। आपको इस मेल आईडी के थ्रू अपना पेपर सेंड करना है और मेल स्टार्ट टाइम देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मेल का स्टार्टिंग टाइम है यहाँ पे दे रखा है आपको 2:30 बजे। अगर आप सुबह का एग्जाम है तो आपका टाइम 2:30 बजे और साढ़े मतलब कि 3 बजे तक, 2:30 से 3 के बीच में आपको मेल सेंड करनी है, तो लेट बिल्कुल भी मत करना। इसके थ्रू आप मेल करोगे, चाहे आपका एडमिट कार्ड आया हो चाहे आपका एडमिट कार्ड नहीं आया हो, आप इसके थ्रू इजीली से अपना मेल सेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके सब्जेक्ट देखने और सब्जेक्ट के कोड देखने हैं, ठीक है, नॉर्मली सी बात है। यहाँ पे आपको अपने सब्जेक्ट देखने पहले सारे के सारे, और नीचे आपको यहाँ पे अपने सब्जेक्ट के कोड मैच करने हैं। अगर मान लो आपका हिस्ट्री का है, पॉलिटिकल साइंस का है, तो आपको इसके सामने देखना है कौन सा आपका सब्जेक्ट है, और उसके सामने आपको उसकी मेल दिख रही होगी। आपको सिर्फ मेल पे सेंड करके आपको ये जो है इस मेल पे और ये वाला इस मेल पे, अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग मेल है, प्लीज़ ये ध्यान से चेक करना। और ये पुरानी मैं दोबारा बता रहा हूँ, अभी नई कल तक पब्लिश हो जाएगी साइट पर, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आपको मेल के थ्रू अपनी मेल आई डी पर सेंड कर देना और आपका एग्ज़ाम सबमिट, ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, चीज आसान है, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। हाँ फ्रेंड्स, तो देख लिया आपने, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया आपको कैसे सेंड करना है, आपको सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट के सामने उसकी मेल चेक करनी है, कोड जरूर देखना है, कोड देखोगे कोड के सामने उसकी मेल आईडी होगी, उसी मेल आईडी पे जिस सब्जेक्ट का एग्जाम है उसके कोड के हिसाब से उसकी मेल आईडी पे आपको मेल करना है। मेल का टाइमिंग मैंने आपको अभी भी समझाया, मेल का टाइमिंग क्या है, जो सुबह वाले बच्चे हैं उनको मिलेगा कब से कब तक, 2:30 से 3:30 बजे तक, और जो शाम वाले बच्चे हैं उनका टाइमिंग मैंने अभी आपको दिखाया, तो अपनी टाइमिंग जरूर देख लेना। ये भी अभी साइट पर नहीं आया, कल तक आ जाएगा, हो सकता है मेल आईडी एसएल वाले पब्लिश कर दें। तो देखो आपका क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने का तरीका समझा दिया मैंने, समझ आ गया आपको, एसएल की मेन वेबसाइट से जाके क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, आंसर शीट मेल के थ्रू आपको सेंड करनी है। अब दिक्कत क्या है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब दिक्कत उन स्टूडेंट्स की आती है जो बच्चे पूछते हैं कि भैया हमारा होल टिकट नहीं आया, एडमिट कार्ड नहीं आया, एग्जाम रोल नंबर नहीं है, तो हम रजिस्ट्रेशन कैसे करें, क्यों करना है रजिस्ट्रेशन, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा। तो देखो रजिस्ट्रेशन मत करो बिल्कुल भी, ठीक है, आपका एडमिट कार्ड एसओएल की साइट पे आता है जो कि अभी आपको नहीं आया होगा, ठीक है, मैं जानता हूँ नहीं आया। अगर एक चीज़ और बताता हूँ, देखो जिन्होंने नवंबर दिसंबर में 3rd और 5th सेमेस्टर के एग्जाम दिए थे, वो बच्चे पूछ रहे हैं हमारा एडमिट कार्ड नहीं आया। अगर आप एग्जाम एक बार दे चुके हो नवंबर दिसंबर में, तो आपका एडमिट कार्ड जो पुराना वाला है वही रहेगा, कोई नया आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने उस समय एक भी एग्जाम नहीं दिया था नवंबर दिसंबर में, सेकेंड फेज अगर आप दे रहे हो, इस बार सारे एग्जाम न्यूली दे रहे हो, तो आपको पहले फीस पे करनी है, देन उसके बाद आपको एक मेल आएगा, मतलब कि जो आपका एडमिट कार्ड है तब आपको आएगा, ठीक है। सेकेंड चीज़, एडमिट कार्ड नहीं आया तो उसके केस में करना क्या है, तो पिछले दिसंबर में एग्जाम हुए थे तो एसएल साइट ने एक अपने ऊपर ऑफिशियल नोटिस निकाला था। नोटिस क्या है, आपको साइड में ये रहा दिख रहा होगा, ठीक है, इस नोटिस में लिखा था कि 29 नवंबर से जिनके भी एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब कि उन स्टूडेंट्स को क्या करना है, अगर उनका एडमिट कार्ड इन केस नहीं आता, आपका एग्जाम रोल नंबर नहीं आता, तो आप पेपर डाउनलोड करो साइट से, एसओएल की मेन वेबसाइट से, मैंने अभी आपको दिखाया था। आप आंसर शीट को मेल के थ्रू सेंड करोगे, जो भी मेल है उसके सामने आपको कोड देखना है, उसका मेल आईडी देखनी है, उस पे आपको मेल करना है, ठीक है, मेल करना है। उसके साथ साथ आपको टाइमिंग का भी ध्यान रखना है, आपको उस टाइम तक मेल करना है। और अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं आया, रोल नंबर एग्जाम रोल नंबर नहीं है, तो आपका एग्जाम रोल नंबर नहीं डालना उस पर, सिंपल सी बात है, ठीक है। आपका एग्जाम रोल नंबर आपके एसओएल रोल नंबर से भी वो चेकआउट कर सकते हैं आराम से, आपको बस सिर्फ अपना आंसर शीट को अपलोड कर देना है, और टेंशन नहीं लेनी है कि आपका एडमिट कार्ड नहीं आया। नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप अपना आंसर करो और सेंड करो, बस मेल के थ्रू सेंड हो जाएगा आपका आंसर, एडमिट कार्ड की जरूरत नहीं है आपको, ठीक। तो फ्रेंड्स, जैसे कि इसमें आपको दिख ही रहा होगा, मैंने इसमें अभी आपको बताया कि आप मेल कैसे सेंड कर सकते हो और किस तरह से आपको आंसर शीट सेंड करनी है, ठीक है, विदाउट एडमिट कार्ड के। तो एडमिट कार्ड में एक नॉर्मली सा आपका एग्जाम रोल नंबर होता है, आपको बिना एग्जाम रोल नंबर के मगर हर शीट पे एसओएल का रोल नंबर डाल के सेंड करना है। और इसमें जैसे कि आपको दिखी रहा होगा, इस एडमिट जो नोटिस आया है, नोटिस के अंदर यहाँ पे मैंने अभी आपको दिखाया, नोटिस में लिखा था कि 29 जो नवंबर से बच्चों के एग्जाम है उनको क्या है, एग्जाम रोल नंबर जो है ना उसकी जरूरत पड़ती है सिर्फ चेक करने के लिए, और वो अगर आप नहीं भी डालते तो भी आप अपना सेंड कर सकते हो आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई किसी को अब्सेंट नहीं दिया जाएगा। बस ये कन्फर्मेशन कर लेना कि आपका मेल सही टाइम पर सेंड हो, लेट ना हो, ताकि आपके जो एग्जाम के रिजल्ट है वो टाइम पर आ जाए, ठीक है। तो दोनों चीज़ों को मैंने क्लियर कर दिया, अब आपका सारा सॉल्यूशन हो गया मेल, ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, साइट को मारो गोली, ठीक है, साइट तो वैसे इसी तीसरी कर दी आप लोगों ने, उसकी मार रखी है पहले, साइट को छोड़ो, और जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, मेल कर रहे हो, सेंड कर रहे हो, वो सब छोड़ो, बस आपको क्या करना है, मेल करना है। सारे स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ मैं, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो, सबको बता रहा हूँ जिनके एग्जाम है, आपका अगर एडमिट कार्ड नहीं आ रहा, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, लॉगिन नहीं हो रहा, अगर लॉगिन हो जाता है जिनका तो वो ठीक है, जिनका लॉगिन नहीं हो रहा वो सिर्फ मेल के थ्रू सेंड करो और मिलेंगे। और आप वेट करो, ये जो मेल है ये पिछले ईयर की है मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, पिछले साल जो बच्चे थे उन्होंने मेल के
के थ्रू सेंड किया था और वो आज पास हो चुके हैं अच्छे खासे ग्रेड से, ठीक है। तो एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आपके साथ कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली। तो आप इस वीडियो को वॉच कर लिया है तो जाइए फटाफट से जाके रिलैक्स करिए, चिल मारिए, सोइए और कल के एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ द लक। और आपको करना क्या, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, उसको सब्सक्राइब करके प्रेस कर लो, प्रेस कर लो यार, अब मेरे से बोला नहीं जा रहा, प्रेस कर लो उसको, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि एसएल के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और कल के एग्जाम्स के आंसर मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो प्लीज़ बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो यार मेरे को, मेरे को तैयारी करने दो थोड़ी सी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू, टाटा एंड बाय बाय। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ड्रॉप कर देना, ठीक है, अभी भी क्वेश्चन है कर देना, चलो।